हेलो बच्चों, हमारे सामने ये क्वेश्चन में लिखा है कि अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट। इफ द टोटल टाइम इलेप्स्ड इज टी देन द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार इज। अब इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दे रखा है अल्फा फॉर सम टाइम एंड आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट एट ए कॉन्स्टेंट रेट बीटा, ठीक है ना, एंड कम्स टू रेस्ट। तो और टोटल टाइम लेफ्ट कितना दे दिया, टी। देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार इज। निकालने के इसके कई सारे तरीके हैं। अगर इसको डायमेंशन के अकॉर्डिंग चेक किया जाए तो हमसे पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का मतलब कि वेलोसिटी का हमारा डायमेंशन कितना होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और इसका डायमेंशन होता है बच्चों इस चीज़ को हटा दे रहे हैं, मीटर मतलब लेंथ, टी के पावर माइनस वन, एल टी के पावर माइनस वन होता है ना। अब उसके अकॉर्डिंग हम चेक करें अगर, तो अल्फा और बीटा दोनों ही क्या है, अल्फा हमारा एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी के पावर माइनस टू। बीटा हमारा रिटार्डेशन है, बीटा हमारा रिटार्डेशन है तो इसका भी डायमेंशन हो जाएगा एल टी के पावर माइनस टू। तो देखा जाए तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है और यहाँ भी स्क्वायर लगा है और यहाँ अल्फा और बीटा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपस में डायमेंशन के अकॉर्डिंग कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल सेकेंड बचेगा यानी सेकेंड का डायमेंशन यानी कि टी, यानी कि ये पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा भी इसी तरीके से इसका डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, टी बचेगा यानी ये भी हो गया सेकेंड, यानी ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। इसका देखा जाए तो इससे एक मतलब अल्फा प्लस बीटा है तो केवल एक से लेके एक कैंसिल होगा, कोई भी एक का डायमेंशन, एक डायमेंशन नीचे बच जाएगा यानी ऊपर हमारा नीचे बचा क्या, ऊपर हमारा सेकेंड यानी कि टी और नीचे क्या बचा हमारा एल टी के पावर माइनस टू। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी के पावर माइनस टू ऊपर जाके थ्री यानी कि एल पावर माइनस वन, टी के पावर माइनस थ्री आ जाएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। तो बचा कौन सा, डी बचा, डायमेंशन के अकॉर्डिंग यानी इनमें से नीचे दिया है अल्फा प्लस बीटा यानी कि इनका डायमेंशन किसी एक्सेलरेशन के बराबर, तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, केवल बीटा और टी बचा। बीटा का मतलब एल टी के पावर माइनस टू और टी का मतलब टी है ना, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा एल टी के पावर माइनस वन। तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी चेक करने से हमको कौन सा सही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अब पता है कि सर अगर डायमेंशन हम अप्लाई ना करें, कोई और मेथड से अगर इसको करने की कोशिश करें तो क्या हम इसे सोल्व कर सकते हैं, हमने कहा बिल्कुल आप इसे दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। बताइए कि सर कैसे, हमने कहा आओ भाई हम हैं तो क्या दिक्कत है। हम मान लेते हैं कि टी वन टाइम तक पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट हुआ है, क्या हुआ है एक्सेलरेट, ठीक है ना, एक्सेलरेट ठीक, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई वी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो एच पर क्वेश्चन, क्योंकि ये रेस्ट से एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम फॉर्मूला यूज करें, पहला इक्वेशन कि वी बराबर यू प्लस ए टी, तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा कि वी बराबर यू जीरो और एक्सेलरेशन अल्फा है और टाइम हमारा टी वन, ठीक, यानी कि टी वन टाइम तक एक्सेलरेट हुआ। टोटल टाइम इलेप्स कितना दिया है जर्नी का टी, तो जो हमारा रिटार्डेशन वाला टाइम बचा, रिटार्डेशन वाला वो टाइम हमारा कितना बचा, टी माइनस टी वन बचा, ठीक है, यानी कि टी माइनस टी वन टाइम तक क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा, क्लियर है। तो अब रिटार्डेशन के लिए हम अगर फॉर्मूला यूज करें कि भाई वी बराबर यू माइनस ए टी, ठीक है ना, अब फाइनल वेलोसिटी जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी जो एक बार मैक्सिमम हो गया वहीं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वी हो गया माइनस, अब रिटार्डेशन बीटा है और टी के जगह हमारा क्या आ जाएगा टी माइनस टी वन। तो अब क्या करेंगे हम कि भाई हमारे पास यहाँ से आ गया कि वी इज इक्वल टू बी बीटा इंटू टी माइनस टी वन, ये आ गया। अब ध्यान से देखना, इसको हम सोल्व कर लेते हैं कि वी अपॉन बीटा इज इक्वल टू टी माइनस टी वन, और यहाँ से जो हमको क्या मिला कि वी इक्वल टू अल्फा इंटू टी वन, तो यहाँ से जब टी वन इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा वी अपॉन अल्फा, टी वन की जगह सब्सटीट्यूट कर दो तो वी अपॉन बीटा इज इक्वल टू टी माइनस वी अपॉन अल्फा, और इसको सिंप्लीफाई करके वी की वैल्यू इक्वेट कर लें तो वी अपॉन अल्फा प्लस वी अपॉन बीटा इक्वल टू टी, वी की वैल्यू हमारा यहाँ से क्या आ गया अल्फा बीटा टी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो गया,
मैक्सिमम वेलोसिटी अल्फा बीटा टी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, और इसके लिए सही जवाब ऑप्शन डी। तो दो मेथड से इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं, अब बड़े आसानी से ही इस सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार विजिट किए हैं तो बेटा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दूर दूर तक फैलाओ। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।